हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित। स्वागत है मेरे इस चैनल में आप सभी का, जहां मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं हर तरह की गाड़ियों का रेगुलर अपडेट। तो जिस किसी ने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को भी दबा ले ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करने के लिए। चैनल में काफी सारे लोगों ने कार की बिल्ड क्वालिटी को प्रूव करने वाली पिक्चर शेयर करने की बात कही थी और कुछ लोग मुझे पिक्चर शेयर भी कर चुके हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई पिक्चर या वीडियो है तो उन्हें प्लीज मुझे sumitke@gmail.com में फॉरवर्ड करें एक्सीडेंट के डिटेल के साथ, ताकि उस पर वीडियो बनाकर हम लोग सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को मिलकर प्रमोट कर सके। सो गाइस, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें कार का बिल्ड क्वालिटी एवं सेफ्टी से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो केवल ब्रांड नेम और माइलेज से। अगर आप भी उन्हीं में से एक है तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आज का यह वीडियो प्रूफ करती है कि ग्लोबल एनकैप्सुलेटिंग किसी भी गाड़ी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इससे किसी व्यक्ति के सेफ्टी पे कितना प्रभाव पड़ता है। तो यह वीडियो शुरू से अंत तक देखें और हो सके तो गाड़ी लेते समय कार की ग्लोबल एनकैप्सुलेटिंग जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का जो यह एक्सीडेंट है वह है मारुति स्विफ्ट का, जिसका एक्सीडेंट होता है टोयोटा इनोवा के साथ। वहां उपस्थित लोग बताते हैं कि दोनों गाड़ियों की स्पीड 60 से 70 के आसपास रही होगी, जिसमें टोयोटा इनोवा आगे चल रहे थी और स्विफ्ट उसके पीछे थी। किसी कारणवश टोयोटा का ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है और उसकी गाड़ी एकदम से रुक जाती है। पीछे से आ रही मारुति स्विफ्ट टोयोटा इनोवा का पीछे से हिट करती है, जिसमें मारुति स्विफ्ट के आगे का बम्पर बोनट पूरी तरह से पिचक जाता है और इस एक्सीडेंट का इम्पैक्ट केविन तक भी पहुंचता है, जिसके कारण मारुति स्विफ्ट में बैठे ड्राइवर का ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जबकि इनोवा को ज्यादा नुकसान नहीं होता, यहाँ पे गलती टोयोटा इनोवा वाले की होती है। तो इस छोटी सी एक्सीडेंट में जहाँ मारुति स्विफ्ट 60 से 70 की स्पीड के एक्सीडेंट के इम्पैक्ट को नहीं झेल पाता है, इससे मारुति की गाड़ियों के बिल्ड क्वालिटी का पता चलता है। अगर इसी जगह मारुति सुजुकी की जगह किसी अन्य कंपनी की 5-स्टार रेटेड कार होती तो व्यक्ति की जान बच गई होती। तो यहाँ पे जो लोग यह कहते हैं कि अगर किस्मत अच्छी होगी तो जिंदा बचाओगे और नहीं होगी तो नहीं बचोगे, उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो इस एक्सीडेंट से साफ पता चलता है कि ग्लोबल एनकैप्सुलेटिंग किसी भी गाड़ी के सेफ्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और यह हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालता है। तो आप जब भी कभी किसी गाड़ी को लेने की सोचते हैं तो कम से कम गाड़ी की 5-स्टार रेटिंग को जरूर ध्यान दें और कम से कम 5-स्टार रेटेड गाड़ी को ही परचेस करें, जिससे ऐसी किसी स्थिति में आप और आपके परिवार सुरक्षित रह सके। ना जाने इस देश में रोजाना कितने एक्सीडेंट होती है। और सेल्स फिगर की बात करें तो मारुति सुजुकी की सेल्स फिगर सबसे ज्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग मारुति सुजुकी की एक्सीडेंट ज्यादा होनी चाहिए, परंतु हमें अधिकतर टाटा की गाड़ियों के एक्सीडेंट का वीडियो ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि टाटा के मैक्सिमम केस इवन मेजर केस में लोग सेफ बचाते हैं और खुशी खुशी अपने बातों को हमसे शेयर कर पाते हैं। तो यही कारण है दोस्तों कि टाटा की गाड़ियों के एक्सीडेंटों का वीडियो ज्यादा शेयर किया जाता है और इनकी वीडियो ज्यादा हाईलाइटेड होती है। टाटा की कारों पे ज्यादा वीडियो इसलिए भी बनी है क्योंकि टाटा की कारों ने ग्लोबल एनकैप और बहुत सारी सेफ्टी टेस्ट में अपना लोहा मनवा रखा है। मैं यह नहीं कहता कि बाकी सारी कारें बेकार है, केवल टाटा ही अच्छी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा सेफ कार ले, चाहे वह किसी भी ब्रांड का हो, और हो सके तो स्वदेशी कार को प्रीफर करें क्योंकि ये सारी गाड़ियां ज्यादा सेफ है और इन्होंने ग्लोबल एनकैप में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और टाटा की गाड़ियों ने मैक्सिमम केस में 4-स्टार से ऊपर ही स्कोर किया है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का भी आइकन को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई एक्सीडेंट की पिक्चर या वीडियो है तो उन्हें sumitke@gmail.com में एक्सीडेंट की डिटेल के साथ हमें फॉरवर्ड करें ताकि हम लोग उस पर वीडियो बनाकर सेफ कार फॉर इंडिया मिशन को कंप्लीट कर सके। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।